दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की डिफेंस वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी टॉप 10 अपडेट में। आज काफी सारी वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी खबर सामने आई है, जिसमें अजरबैजान के राष्ट्रपति द्वारा पीएम मोदी को इनवाइट करना हो या फिर G7 के एक देश द्वारा भारत के ऊपर बैन की धमकी। वहीं कनाडा, जिसके पास अगले साल G7 की प्रेसिडेंसी आएगी, वह मोदी को इनवाइट नहीं करने पर विचार कर रहा है। इन सभी को आज की टॉप 10 खबर में हम कवर करने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन ऑन रहेगा तो ही हमारी वीडियो की डेली नोटिफिकेशन आपको 11 बजे मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारी पहली खबर अमेरिका की तरफ से सामने आ रही है। अमेरिका की तरफ से MQ-9 ड्रोन का अप्रूवल पीएम मोदी के US ट्रिप के समय ही अमेरिका द्वारा दिया गया था। अब इसके ऊपर एक स्टेप और लेते हुए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल कांग्रेस को इस डील के बारे में नोटिफाइड कर दिया है। अब ये डील कांग्रेस रिव्यू प्रोसेस में औपचारिकता पूरी करने गई है, जहां उसकी मंजूरी के बाद इस डील को इस साल के अंत तक साइन कर लिया जाएगा। ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बताया गया है। भारत तकरीबन $3 बिलियन में 31 MQ-9B ड्रोन को अमेरिका से खरीद रहा है। इन्हें लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन होने की वजह से खरीदा जा रहा है। ये 35 घंटे तक निगरानी करने में माहिर ड्रोन माने जाते हैं। LAC पर चीन के खिलाफ निगरानी रखने के लिए ये ड्रोन भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे, जिसकी डील इस साल के अंत तक होने की पूरी संभावना है। इस डील के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी आज की दूसरी खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों कनाडा से निकलकर सामने आ रही है। कनाडाई प्रधानमंत्री से जब ये सवाल पूछा गया कि अगले साल यानी कि 2025 में G20 का होस्ट कनाडा होने वाला है, तो क्या उसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनविटेशन कनाडा PM की तरफ से भेजा जाएगा या फिर नहीं। इस पर उन्होंने ये बयान दिया कि जब हमारे पास पूरी तरह से G7 की अध्यक्षता आ जाएगी, उसके बाद हम बहुत कुछ कहने के लिए तैयार रहेंगे। दरअसल इटली के पास इस साल की G7 की अध्यक्षता है, तो अभी बाकी के महीने में भी इटली के पास ही इसकी अध्यक्षता रहेगी। उसके बाद वह ट्रांसफर हो जाएगी कनाडा के पास, और कनाडाई प्रधानमंत्री का इशारा उसी तरफ था कि जब हमारे पास पूरी तरह से अध्यक्षता आ जाएगी, तब हम ये डिसाइड करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2025 में इन्विटेशन भेजा जाएगा या फिर नहीं। इसके अलावा बाकी G7 देशों से भी इस मुद्दे के ऊपर चर्चा की जाएगी। अब दोस्तों कनाडाई प्रधानमंत्री के इस बयान को बढ़ा चढ़ाकर बताने से बढ़िया यही है कि आप उनके इस स्टेटमेंट पर क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी तीसरी खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों चीन से सामने आ रही है। चीन को लेकर पिछले कुछ दिनों में खबरें काफी ज्यादा तेज हो गई है। फिर चाहे चीन बॉर्डर के पास एयरबेस के निर्माण करने वाली न्यूज हो, या फिर भारत की तरफ से तिब्बत की 30 जगह के नाम बदलने की न्यूज आना हो, इसके अलावा अमेरिका के हाई लेवल ऑफिशियल का भारत आना और तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात करने की न्यूज हो, अब इन सब को लेकर चीन काफी ज्यादा सुर्खियों में है। वहीं पर अब एक और भारत को परेशान करने वाली न्यूज सामने आ रही है। दरअसल भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, उसने ये कंसर्न व्यक्त किया है कि चीन लगातार बॉर्डर के पास तेजी से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, जो डेप्सांग क्षेत्र है जिसको भारत क्लेम करता है कि ये लद्दाख का भाग है, वहीं चीन भी ये क्लेम करता है कि ये उसका पार्ट है, जिसकी वजह से ये विवादित क्षेत्र बन गया है। यहाँ पर तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चीन द्वारा किया जा रहा है, और ये भारत के लिए एक बड़ी समस्या है, क्योंकि चीन के साथ लगातार भारत की बातचीत फेल हो रही है। ऐसे में विवादित क्षेत्र में इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चीन का करना एक और बड़े विवाद की तरफ हमें ढकेल रहा है, और ये काफी ज्यादा सीरियस कंसर्न हमारे लिए बना हुआ है। ऐसे में देखना ये होगा कि भारत सरकार द्वारा क्या बड़े फैसले इस पर लिए जाते हैं। बहरहाल इस विषय पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी चौथी खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों भारत, पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक को लेकर सामने आ रही है। दरअसल भारत जो रावी नदी पर हाइड्रो पावर प्लांट बना रहा है, उसको लेकर लगातार पाकिस्तान की तरफ से विरोध किया जा रहा है, और इस मुद्दे को लेकर वर्ल्ड बैंक में भी पाकिस्तान द्वारा जाया गया था। इसके बाद अब एक बड़ी डेवलपमेंट निकलकर सामने आ रही है कि भारत एक मीटिंग को होस्ट करने जा रहा है, जो कि जम्मू कश्मीर में होगी, और इसमें वर्ल्ड बैंक के एक्सपर्ट और पाकिस्तान का डेलीगेशन भारत आने वाला है, और इस मुद्दे पर बात होगी। अब दोस्तों ये बातचीत 1960 में हुई इंडस वाटर ट्रीटी के
अंतर्गत हो रही है। वहीं 2022 में एक न्यूट्रल पर्सन को वर्ल्ड बैंक ने अपॉइंट किया था और उसकी अपॉइंटमेंट के बाद ये पहली बार भारत ने अलाउ किया है इंस्पेक्शन करने के लिए वर्ल्ड बैंक के ऑफिशियल को जम्मू कश्मीर में। दरअसल विवाद कुछ ऐसा है कि भारत हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बना रहा है और पाकिस्तान ये कह रहा है कि भारत हमारी नदी का पानी रोक रहा है। ये पूरा विवाद इसी पर है और इसी पर अब भारत मीटिंग ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को वर्ल्ड बैंक के ऑफिशियल को अलाउ करना था इंस्पेक्शन के लिए या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी आज की पांचवी खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों भारत और श्रीलंका को लेकर सामने आ रही है। पीटीआई यानी कि प्रेस ट्रस्ट इंडिया की तरफ से बताया गया है कि भारतीय विदेश मंत्री अगले हफ्ते श्रीलंका का दौरा कर सकते हैं और अगर ये दौरा होता है तो ये भारतीय विदेश मंत्री का शपथ लेने के बाद पहला स्टैंड अलोन विजिट ये होगा। हालांकि इससे पहले G7 समिट में पीएम मोदी के साथ भारतीय विदेश मंत्री भी पहुंचे थे। ये दौरा कई लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि धीरे धीरे भारत ने चीन के प्रभाव को श्रीलंका से दूर करने में पिछले 1.5 साल में कामयाबी पाई है। ऐसे में कई मुद्दे को लेकर भारत श्रीलंका से चर्चा कर सकता है, जैसे कि चीनी जहाज को अपने यहाँ ना आने देना। इसके अलावा कई सारे प्रोजेक्ट जिसमें चीन नजर गड़ाए बैठा है उन प्रोजेक्ट को भारत खुद ले ले। बहरहाल इस विजिट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों भारत और नॉर्वे को लेकर सामने आ रही है। भारत नॉर्वे की कंपनी एक्वानोर के साथ एक लॉन्ग टर्म तेल डील करने की तरफ बढ़ रहा है। भारत पेट्रोलियम रिजर्व जो कि नॉर्वे में है उसे खरीदना चाहता है। अगर ये डील फाइनल होती है तो इस तरह की भारत की ये दूसरी बड़ी डील होगी। इससे पहले भारत ने अबू धाबी की कंपनी नेशनल ऑयल कॉरपोरेशन के साथ ऐसा ही एग्रीमेंट किया था। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर देश है। ऐसे में भारत को अपनी एनर्जी नीड्स को डाइवर्सिफाई करना बेहद ज्यादा जरूरी है। यही कारण है कि भारत दुनिया भर के अलग अलग देशों से अपनी एनर्जी नीड को पूरा कर रहा है और लॉन्ग टर्म इस तरह की डील पर फोकस कर रहा है और इसी स्ट्रेटेजी के तहत भारत नॉर्वे के ऑयल रिजर्व में अपना पार्टिसिपेशन चाहता है। बहरहाल बढ़ते हमारी सातवीं खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। भारतीय होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक हाई लेवल मीटिंग को बुलाया जिसमें सेना प्रमुख वगैरह भी शामिल हुए थे। उन्होंने जो तीर्थ यात्री जम्मू कश्मीर में आते हैं उनको एयर, रेलवे और रोड तीनों तरह से अतिरिक्त सुरक्षा पर जोर दिया। साथ ही जम्मू कश्मीर में 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विजिट करने जा रहे हैं जिसको लेकर भी सुरक्षा से बात की गई। जिस तरह से हमला कश्मीर में हुआ उससे पूरे देश को आघात पहुंचा है। अब किस तरह से एक्शन लिए जाते हैं आने वाले समय में, साथ ही जम्मू कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा क्या कुछ कहा जाता है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों अजरबैजान से सामने आ रही है, जहां पर अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने ऑफिशियली भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाकू में होने वाले समिट के लिए इन्विटेशन भेजा है। दरअसल 29वीं COP29 समिट इस बार अजरबैजान में होने वाली है और इसी समिट के लिए ऑफिशियल इनविटेशन भेजा गया है। यह समिट 11 से 22 नवंबर के बीच होने वाली है। अजरबैजान के साथ भारत के रिश्ते किस तरह से हैं ये हम सब भली भांति जानते हैं। अर्मीनिया को भारत लगातार हथियार वगैरह की सप्लाई कर रहा है और इसको लेकर कई बार अजरबैजान की तरफ से भारत को धमकी भी दी गई है कि भारत ऐसा ना करे, लेकिन इसके बावजूद भारत लगातार अर्मीनिया की मदद कर रहा है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजरबैजान जाएंगे तब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या भारतीय प्रधानमंत्री COP29 की साइडलाइन में अजरबैजान के प्रेसिडेंट से मुलाकात करेंगे या फिर नहीं। बढ़ते हमारी नवी खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों थोड़ी सी शॉकिंग है जो कि जापान से सामने आ रही है। दरअसल अब जापान की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आया है कि वह भारत, UAE, चीन की उन सभी कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगाने वाले हैं जो कि प्रतिबंधों के बावजूद रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं। दरअसल इस बार G7 के सभी देशों ने रूस पर प्रतिबंधों को और कड़ा करने के ऊपर फैसला लिया है। इसके साथ ही यूक्रेन को भारी भरकम मदद देने की बात भी कही है और अब G7 समिट के बाद अमेरिका को खुश करने के लिए जापान की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि भारत की कंपनियों को भी प्रतिबंध का सामना करना पड़ेगा जो रूस के साथ अपने ट्रेड को जारी रखे हुए हैं। बहरहाल जापान द्वारा लिए गए इस फैसले पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों बांग्लादेश की मिलिट्री की तरफ से लिए गए एक बड़े फैसले को लेकर है। दरअसल लगातार आपको ये खबर हम दे रहे हैं कि बांग्लादेश चीन के द्वारा भेजे गए हथियारों से संतुष्ट नहीं है
और उसके बैड परफॉर्मेंस से खासा परेशान है, जिसको लेकर अब बांग्लादेश मिलिट्री की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि वह चीनी हथियारों को अब कंसीडर नहीं करने वाले और इसकी जगह टर्किश और यूरोपियन हथियारों को प्रेफर किया जाएगा। बहरहाल दोस्तों, बांग्लादेश द्वारा लिए गए इस फैसले पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को दबा ले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।